बरनाला जिले के कस्बा महलकला में आज से 23 साल पहले कस्बे की छात्रा किरणजीत कौर का गुंडों द्वारा बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर लाश खेत में दबा दी गई थी, जिसके बाद लड़की को शहीद का दर्जा देते हुए उसके सम्मान में हर साल आज ही के दिन शहीदी समागम मनाया जाता है। इसी संदर्भ में मनाए गए शहीदी समागम में बड़ी संख्या में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शामिल हुए और शहीद किरणजीत कौर को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि किसान मोर्चा किसी भी चुनावों में हिस्सा नहीं लेगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार खेती कानूनों को रद्द नहीं करेगी, किसानों का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि किसान आजादी दिवस के मौके पर अपने वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसान संघर्ष का ध्वज लगाकर मार्च करेंगे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अज करणजीत की बरसी के उत्ते समझ लै भी एक लोगों की एकता से संघर्ष 54 बरसी हैगी, जिहड़ा पहला असीं सारे पंजाब तों इकट्ठ करदे रहे हां। अज 1700 ते बरसी मनाई जा रही है करणजीत की। इहदा मतलब विशाल साडी एकता का सबूत दिखाया जांदा, ते उन्ने ही इकट्ठे इत्थे है ते दूजे थावां ते इकट्ठ हैगा। ये लोगों का एकता ते विरोधियों ते एक तरह का साडा हमला है, जे असीं इन्ने चेतर होकर लड़ जाएंगे। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।